गृह युद्ध की आग में झुलस रहे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शादी समारोह में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें करीब 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि 182 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के आखिरी दिन छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने रॉयल यूनिवर्सिटी में युवा भूटानी वैज्ञानिकों की भारत यात्रा पर खुशी जाहिर की और कहा कि मुझे उम्मीद है कि किसी दिन जल्द ही आप में से कई वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर्स होंगे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जेटली को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इलाज के साथ ही उनके लिए दुआओं का दौर भी जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक कार्यक्रम में दिया बयान सुर्खियों में है। उन्होंने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर उन्होंने 8 दिनों में काम पूरा नहीं किया तो वो लोगों से कहेंगे कि धुलाई कर दो। ये बातें नितिन गडकरी ने लघु उद्योग भारती के नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में कही। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार हो सकता है और 6 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच हुई मुलाकात के बाद से कैबिनेट में विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने बाढ़ की भयावह स्थिति के मद्देनजर शनिवार को पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को कृष्णा नदी के तट पर बने घर को खाली करने के लिए नोटिस दिया। कृष्णा नदी के बढ़ते पानी की वजह से इसके किनारों के घरों में पानी घुसने की आशंका है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के कायाकल्प का बीड़ा उठाया है। सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाकाल मंदिर के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। लंदन में तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों से भरने वाली भारतीय पत्रकार पूनम जोशी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं। ट्विटर पर देखते ही देखते पूनम जोशी हैशटैग ट्रेंड कर गया। पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करते हुए गुजरात के एक जिला विकास अधिकारी और उनके न्यायाधीश पत्नी ने एक नवजात बच्ची को गोद दिया है। दरअसल बच्ची को जन्म देने के बाद मां की मौत हो गई थी। बच्ची के पालन पोषण को लेकर परिवार परेशान था।